अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अभी थोड़ी देर पहले जमीयत उलमाए इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको सुन के परेशानी हुई है और अफसोस हुआ है। और ये ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं और ये हमारे हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये इस चीज़ का वो हमें पता देते हैं और हमें खबरदार करते हैं कि जो हालात हैं वो ठीक सिमत में नहीं जा रहे। आपको पता है कि कुछ अरसे से, जब से ये इमरान खान आया है और इसके बारे में मुसलसल सारे सियासतदान ये कह रहे हैं कि ये इदारों को इस्तेमाल करता है, ये इदारों को इस्तेमाल कर रहा है। कभी ये फौज के पीछे छुपता है, कभी ये अदालतों के पीछे छुपता है, और इस तरह इसने अपने आप को तहफ़ुज़ और दिफा बनाया हुआ है, अपना हिसार बनाया हुआ है। और जाहिर है इसको सब लोग कह रहे थे, मेरे समय सारे सियासतदान, कि यार बार बार तुम फौज का नाम क्यों लेते हो, कि फौज मेरे साथ है, फौज के मेरे साथ एक पेज पे है। और इसके ये GHQ का जो तर्जमान है शेख रशीद, ये फौज का तर्जमान बना हुआ है। तो बात यह है कि क्या इनको रोकने वाला कोई नहीं है? ये जिनके तर्जमान बने हुए हैं, अगर उनके तर्जमान हैं तो वो आके कह सकते हैं कि हाँ जी ये हमारे तर्जमान है शेख रशीद। लेकिन अगर वो तर्जमान नहीं है और जबरदस्ती का बना हुआ है और इससे वो अपने फायदे उठा रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, अपने आप को तहफ़ुज़ दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं। मैं कितनी मुतअद्दिद वीडियो बना चुका हूं कि पाक फौज को चाहिए, जब शेख रशीद कहता है कि मैं उनका तर्जमान हूं, तो वो इनको इसको मना करें कि भाई तुम ऐसी बात क्यों करते हो जब तुम तर्जमान हो ही नहीं। उनका तर्जमान तो अपना DGISPR है, जो जब भी फौज के ऊपर कोई बात होती है वो आके वजाहत करते हैं। तो इसको रोकने वाला होना चाहिए ना, रोकने वाला होना चाहिए। लेकिन जब दोस्तों बात इतनी आगे तक बढ़ती जाती है ना, तो हालात फिर काबू से बाहर हो जाते हैं। पिछले दिनों में एक हफ्ता पहले एक टीवी पे हयात हिराज, रजा हिराज, वो एक साबिक MNA हैं, उन्होंने कहा है कि जी मैं हैरान हो रहा हूँ पहली दफ़ा कि पाक फौज के जनरल का नाम लेके और पाक फौज का नाम लेके उस पर तनकीद की जा रही है, जो बड़ी ख़तरनाक है। और उसने कहा जी कि मेरी 60 साल सियासी तारीख में ये पहली मर्तबा है। हमेशा लोग इशारे करते थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, ये इसकी डोरे कोई और हिला रहा है, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। और उसने भी, उस हिराज ने भी ये नतीजा निकाला कि क्यों लोगों में हिम्मत पैदा हुई कि इमरान हद से ज्यादा फौज के पीछे छुप रहा है, हद से ज्यादा फौज का नाम इस्तेमाल कर रहा है, हद से ज्यादा फौज से अपोजिशन को डरा रहा है। तो अब नाम ना लेते हुए ना लेते हुए ना लेते हुए बिल आकर लेना पड़ा। तो उसने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि यार ये मेरी जिंदगी में, मेरी सियासी 60 साल जिंदगी में ये पहली दफा हो रहा है कि कमर जवेद बाजवा का नाम लिया गया है, फौज का सीधा नाम लिया जा रहा है। और आज तो उससे भी ज्यादा हद हो गई है जनाब, जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है
कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब की किरदार कुशी बंद ना की गई, हमारी जमात में उखाड़ पिछाड़ ना रुकवाई गई जो कि किसी के कहने पे हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उसने क्या कहा है, हम जाके GHQ में धरना देंगे, GHQ के सामने धरना देंगे हम बाजवा। हम अगर हमारे खिलाफ नैब कोई कार्रवाई करती है, हमारे खिलाफ इमरान नियाजी कोई कार्रवाई करता है, तो हम बाजवा को उसका जिम्मेदार ठहराएंगे और GHQ के सामने धरना रावलपिंडी में देंगे। अब बताएं बात कहां तक पहुंच गई है। जो संजीदा हलके हैं, जो संजीदा हलके हैं, वो इस बात से कोई खुश नहीं हो रहे। मैं आपको ये बता दूं भाई, गली महल्ले चौराहों में इंडिविजुअली तो लोग बातें करते हैं ये वाली, आप कौमी लीडर ये बात करने लग जाएंगे, सियासतदान ये बातें करने लग जाएंगे, MNA और MPA ये बातें करने लग जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ये बातें करने लग जाएंगे। ये नहीं सोचा था कि ये वक्त भी आएगा। इसलिए जो पहले दिन से ये लोग सारे कह रहे हैं कि इमरान नियाजी इदारों को तबाह करने के लिए आया है, जैसे रूस में गोर्बाचोफ ने रूस के इदारे तबाह किए, जब इदारे तबाह हो गए तो रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज देख लें कोई इदारा महफूज नहीं है। क्यों ये नियाजी बार बार अपने आप को कहता है, क्यों? और तर्जमान क्यों नहीं, पाक फौज के तर्जमान ये क्यों नहीं वजाहत कर देते कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना आइंदा होगा। नियाजी जाने और तुम जानो, ये खुल के कह दें, इसमें कोई कहने में हर्ज है? बताएं कोई इसके कहने में हर्ज है जब तर्जमान ये आके कह देता है कि जनाब जुबैर ने, नून लीग के जो तर्जमान जुबैर है साबिक गवर्नर, उसने जी 2-3 दफा मुलाकातें की हैं और कोई डिमांड भी नहीं थी कि तुम बताओ, तो इस बात पे वजाहत नहीं होनी चाहिए? इमरान नियाजी के ऊपर वजाहत नहीं होनी चाहिए कि आप ये इमरान नियाजी को समझाया जाए कि तुम हर बात में कहते हो कि फौज मेरे साथ है, फौज मेरे साथ है, वो पूरी कौम की फौज है या तुम्हारी अकेले की फौज है? या जे शेख रशीद जो कहता फिरता है, जो बदनाम जमाना शेख रशीद है, जो कहता फिरता है कि मैं फौज का तर्जमान हूं, इसको रोकने वाला कोई नहीं है भाई? अगर कोई जो नहीं रोकेगा तो फिर इन चीजों का जो ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मान रहे हैं हम ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसका तयन करेंगे? आप बताएं नाजरीन, आप इस चीज को किस तरह देख रहे हैं? मुझे तो ये अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के अफसोस हुआ, यकीन करो मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम इमरान नियाजी के बहुत ज्यादा नाकिद हैं और रहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाक फौज को अपनी वजाहत फौरी तौर पे, जब इतनी बड़ी बात आ गई है सामने, तो उनको ये नहीं कि मीडिया पे नहीं आएगी तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि कुछ नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसकी उस खराबी को दूर किया जाना चाहिए, कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, वरना हालात बहुत खराब हो सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता इतने ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं दोनों तरफ से। जब भी इमरान को थोड़ा सा वो कहते हैं जी इस्तीफा दो, तो वो कहता है जी फौज मेरे साथ है। उसको कोई समझाता ही नहीं है, सबको पता है कि वो सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी स्किन बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। क्यों वो ऐसी बातें करता है? ये शेख रशीद का कभी ये बनता है कि वो कहे कि मैं जी पाक फौज का तर्जमान हूं और उसको कोई रोकने वाला ही ना हो? लिहाजा आज की ये गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है,
इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है। इसका तदारुक होना चाहिए, इस मसले की जड़ को निकालना चाहिए, जड़ को। आज भी शेख रशीद ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि मौलाना फजल रहमान इस सारी तहरीक में फसाद की जड़ है। ये शेख रशीद कह रहा है, जिसने हर हुकूमत को ऐसे सलाम किया है, हर हुकूमत को जेड़ा जिते ओदे नाल, उसकी ये क्रेडिबिलिटी है। बहुत अफसोस वाली बात है, यकीन करो बहुत अफसोस वाली बात है, बड़ी तशवीशनाक बात है। खुदा हाफिज कहूंगा।